ये ना रखना ये इसमें और इस पूरे में क्या डिफरेंस है एक बार तीनों मंदिर इसमें भी है तीन मंदिर इसमें भी है तो ज्यादा बड़ा नहीं है। गाइज वेलकम बैक टू हेल्प नेशन चैनल। तो आज हम लोग आए हैं स्काउट के नए घर में और उसको एक मतलब बहुत पावरफुल पीसी उसको बिल्ड करके देना था। तो हम लोगों ने सोचा कि इंस्टेड ऑफ शिपिंग पीसी उसके घर में ही जाके बनाते। तो मैं पहले स्काउट को हाय बोलते। हाय स्काउट। हेलो। तो सीईओ भी है हमारे, विशाल भी है। और अभी इसमें कौन से कंपोनेंट यूज कर रहे हैं वो मैं पहले आपको दिखाता, फिर स्काउट और हम लोग साथ में ये पीसी बिल्ड करेंगे। तो ये पीसी में हम लोग यूज कर रहे हैं ऑरोस का C700G कैबिनेट, फिर गीगावाइट का 3090 Ti, इंटेल का 12900K प्रोसेसर, G690 DDR5 और उस अल्ट्रा मदरबोर्ड, X360 कूलर और कूलर मास्टर का 1250 वोल्ट पावर सप्लाई और 64GB रैम भी। तो गाइस ये स्काउट का नया घर है तो इसको तो रिवील हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे बैठ के हम लोग कर रहे हैं पीसी बिल्ड। उसका रूम भी बहुत सही है। तो चैनल कब आएगा? एक दो हफ्ते के अंदर आएगा। तो वो तो हम लोग नहीं दिखाएंगे, हमारा मेन फोकस है पीसी। तो पीसी बिल्ड करेंगे, उसको ऑन करेंगे और अपना पुणे चलेंगे। तो चलो पीसी बिल्ड स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये देखो प्रोसेसर का पैकेजिंग कितना सही है। पीसी में हम लोग यूज कर रहे हैं और उसके DDR5 रैम, उस वो है 16x2 32GB के, ऐसे दो किट है तो टोटल 64GB रैम। ये NVMe का हीट सिंक है तो आप देख सकते हैं कितना हेवी है। और इस का जो मेन पर्पज है मतलब अपने NVMe को ये कूल रखेगा और मतलब हीट होगा नहीं। अगर आपकी NVMe अगर हीट हो गई तो आपको स्पीड है वो आपको ऑब्वियसली ड्रॉप होगा, जो रीड और राइट स्पीड है ऑब्वियसली ड्रॉप होगा। इसलिए आप एक हीट सिंक वाले एक तो मदरबोर्ड लो, नहीं तो फिर जो हीट सिंक के साथ NVMe आती है वो ले लो। इसका जो प्राइमरी स्टोरेज है हम लोगों ने सिलेक्ट किया है ऑरोस का Gen 4 2TB का NVMe, और सेकेंडरी स्टोरेज गीगाबाइट का ही NVMe है लेकिन वो 1TB। तो Gen 4 का आपको स्पीड अगर याद रहेगा तो अप टू 5GB पर सेकेंड और इसका है 2.5GB पर सेकेंड। तो इसलिए प्राइमरी हम लोग Gen 4 लगा रहे हैं और सेकेंडरी Gen 3 लगा रहे हैं। तो गाइस अभी यहाँ पे मैंने प्रोसेसर, रैम और NVMe इंस्टॉल किया है और जो अपना पीसी है ये देखो, ये प्रोसेसर 12900 के NVMe यहाँ पे इंस्टॉल किया है और ये 4 रैम के स्टिक है। तो मेरे साथ अभी विशाल है, देखो ये मेरा वीडियो फोटोग्राफर है लेकिन कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं गाइस, कुछ नहीं कर रहा। थोड़ा ज़रा बोलो कमेंट सेक्शन में इसको। तो ये पीसी को मतलब ये पीसी के सीपीयू को कूल करने के लिए लोगों ने सिलेक्ट किया है ऑरोस का X360 जो कि गीगाबाइट का और ऑरोस का अपडेटेड कूलर है। उसका डिस्प्ले बहुत यूनिक है, मतलब आपने देखा कि अदर कंपेटिटर ब्रांड्स के भी वैसे है डिस्प्लेस, वैसे ही इसका भी डिस्प्ले अभी बहुत स्मूथ हो गया है। तो वो कूलर अभी हम लोग इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे, और ये कूलर है अभी इसको अनरैप करके फिर कूलर इंस्टॉल करेंगे। चलो
तो इसका डायरेक्शन हम लोगों ने ये साइड से रखा है और पाइप का नीचे, क्योंकि ये रैम को फिर नहीं, रैम को भी नहीं कुछ ब्लॉक करेगा और डिस्प्ले को भी ब्लॉक नहीं करेगा, तो इसलिए इसका पोजीशन ये साइड से हम लोगों ने रखा है। तो गाइज ये गीगाबाइट का 3090 Ti गेमिंग ओसी एडिशन का ग्राफिक्स कार्ड है। आप देख सकते हैं कितना हीवी है, इसका हीट सिंक देख लो आप, और यहाँ पे पावर भी देख लो यहाँ पे। तो अगर आपने कुछ नोटिस किया तो 4080 और 4090 ऑलमोस्ट सेम डिजाइन के ऊपर ये ग्राफिक्स कार्ड है। तो अभी हम लोग इसको टेस्ट बेंच करेंगे। तो ये पीसी को हम लोग यूज कर रहे हैं कूलर मास्टर का 1250 वॉट का पावर सप्लाई। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे 24 पिन, फिर सीपीयू के लिए 8+8, और मुझे ये स्पेशल दिखाना था आपको, हम लोग यहाँ पे पीसीआई केबल के एक, मतलब जो 6+2 है, ये 6+2 ऐसे नहीं हम लोग यूज करेंगे, एक ही केबल यूज करेंगे 1, 2, 3। तो ये मतलब NVIDIA ने भी रिकमेंड किया है और बोला है कि आप ऐसे ही यूज करो, एक केबल को, मतलब एक केबल से दो पिन यूज मत करो, पिन के स्लॉट्स। तो इसलिए हम लोग ऐसे 3 केबल्स हम लोग यूज करने वाले और दिस ग्राफिक्स का। तो गाइज अभी यहाँ पे हम लोगों ने टेस्ट बेंच पे, मतलब टेस्ट बेंच नहीं लेकिन टेस्टिंग के लिए सेटअप हम लोगों ने यहाँ पे पूरा इंस्टॉल किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ बिखरा बिखरा हुआ है, लेकिन इसमें हम लोग पहले चेक करेंगे सब ठीक से चल रहा कि नहीं, और उसके बाद OS भी इंस्टॉल करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कैबिनेट के अंदर इंस्टॉलेशन करेंगे। तो ठीक है, चलो इसको करते हैं फिर चालू। 1, 2, 3। तो अभी मैंने एक ही फैन लगाया है जस्ट फॉर द, ये यहाँ पे डिस्प्ले भी आ गए हैं। तो अभी ये मल्टीपल टाइम्स रिस्टार्ट होगा, BIOS रिसेट करेगा और उसके बाद फिर ये ऑन होगा। भाई ये ना ग्राफिक कार्ड, ये इसमें और इस कूलर में क्या डिफरेंस है, एक बार बता दो। तीनों पंखे इसमें भी है, तीन पंखे इसमें भी है, भाई कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। नहीं, मैं वही हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि ये 3090 Ti जो है वो 4080 और 4090 के डिजाइन के ऊपर बना हुआ है, तो मतलब इसको ही उन्होंने कंटिन्यू किया रहेगा, मतलब 48 और 4090 इसके ऊपर बने हुए हैं। हाँ, तो ये अजम्पशन है, ये नहीं बोल सकता मैं, मतलब मैं 100% सही हूं। ये ओपनिंग पीछे से है ना, अब यहाँ पे फिक्स है ना, हाँ। तो किसी किसी को यहाँ पे फैन दिए, मतलब वहां से वो ब्लो करेगा, बाहर हवा करेगा, अपने को यहाँ पे दिया तीन है और ऊपर से हवा ब्लो करेगा, ये देखिए यहाँ पूरा ओपन, ये अपना पीसी है, ये अभी टेस्टिंग कर रहे हैं क्योंकि ऐसा ना वो सब इंस्टॉल करे, और ये अपना पीसी है ना। हाँ, अभी ये अपना पीसी है, इसको हम लोग अभी इसमें डाल देंगे। तो गाइस अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि BIOS में हमारा पीसी बूट हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 के 4 रैम स्टिक है, G690 है, 12900 के है, और अभी 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और CPU की फ्रिक्वेंसी 4.9 GHz है, सो दैट इज गुड थिंग। तो अभी इसको हम लोग करेंगे विंडोज इंस्टॉलेशन, और उसके बाद ये सारा सेटअप हम लोग इंस्टॉल करेंगे और उसके C700G कैबिनेट में। तो फटाफट इंस्टॉलेशन खत्म करते हैं और फिर जाते हैं कैबिनेट के पास। चल
गाइड्स पीसी बिल्ड कल रात को रेडी हुआ था, हम लोगों ने सब कुछ टेस्ट किया, लेकिन स्काउट ने बोला कि जब उसका गेमिंग रूम रिवील होगा तभी हम लोग पीसी को भी रिवील करेंगे। लेकिन फिर भी मैं बिना ऑन किए आपको एक बार पीसी दिखाना चाहता हूँ। तो ये देखो, ग्राफिक्स कार्ड की लेंथ और तो बोलो जरा कमेंट सेक्शन में, हमारे सीईओ भी है आपको ये पीसी कैसा लगा? तो गाइस अभी स्काउट आ गए, तो अभी उसको पूछते कि ये पीसी जो हम लोगों ने बनाया है वो कब तक वो रिवील करेगा। भाई सीन ऐसा है कि घर का पूरा वीडियो रेडी होने के बाद राइट पीसी भी उसी दिन ही रिवील होगा, क्योंकि उसमें गेमिंग रूम का एक अलग से वीडियो रहेगा। ओके, एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा मैं अलग से, गेमिंग सेटअप उसको हम लोग रिवील करने वाले हैं। तो दो हफ्ता लगेगा। ओके, तो गाइस दो हफ्ता लगेगा, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो प्लीज। यस, मेक श्योर यू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। चलो चलो, थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।